Okay, good afternoon. Today we are going to discuss electron beam and X-ray lithography. So this is our topic today. Good afternoon. So electron beam lithography and X-ray lithography we are going to start, right? So what is lithography? Have you heard this word lithography? No, sir. So lithography, have you seen this kind of scriptures? Means in a stone something is written. That means in the ancient age there are so many inscriptions are on this kind of rocks. Patthar mein likhte the na? So kaise likhte honge wo log patthar mein? How they able to write in this kind of rock? So definitely या तो वो पंच करते होंगे या फिर उसको मतलब कोई भी एक पॉइंटेड चीज से उसमें लिखते होंगे. दो ही चीज पॉसिबल है, राइट? सो लिथोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस. लिथोस मीन्स स्टोन. यहाँ पे जैसे मेंशन है, लिथोस मीन्स स्टोन. लिथोग्राफी ना, सो लिथो मीन्स स्टोन एंड ग्राफीन. दिस ग्राफीन मीन्स राइट. तो स्टोन पे राइट करने को हम क्या बोलते हैं? लिथोग्राफी. इज इट क्लियर? सो लिथोग्राफी मीनिंग इज राइटिंग ऑन ए स्टोन. सो लिथोग्राफी डिपेंड ऑन द फैक्ट द वॉटर एंड ग्रीस रिपल. सो इट इज ऑल्सो depend on the fact that water and grease ripple. Why how this water and grease is ripple, that we'll discuss later on. This method was invented in 1796 by German author and actor Alois Schneider as a cheap method for publishing artwork on a paper or to print text. So this is a machine with jo usne use kiya. Right, so it is a cheap method of publishing artwork on paper or to print text. So in this a pattern drawn on a flat limestone and then paint the printing onto the stone. While the stone background absorb water, the greasy substance holds wet ink on top. मतलब ये जो लिखने का तरीका है उस तरीके में आप यहाँ पे देख लो, फ्लैट लाइम स्टोन है और उसमें आपने जो पैटर्न है उसको पंच किया और पंच करने के बाद उसमें जो गैप्स था उसमें आपने क्या किया, ग्रीस और ऑयल का जो मिक्सचर है उसको आपने गीला किया और ग्रीस क्या हो गया, उस जगह पर सब्सटेंस पर जाके चिपक गया, राइट? सो दिस इज द मेथड. इज इट ओके? जी सर. तो प्रेस पेपर अगेंस्ट द स्टोन टू ट्रांसफर द पैटर्न. मतलब आपका जो पेपर है या जो भी आपने लिखा है उसको उसमें क्या कर रहा है, अपने पैटर्न को उसमें ट्रांसफर किया. तो 20th और 21st सेंचुरी इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट टेक्निक विथ यूनिक ड्रामेटिक कैपेबिलिटी ऑफ आर्ट फील्ड. तो आर्ट फील्ड में ये बहुत ज्यादा यूज हुआ. Many techniques of lithography have been developed in the last half a century with various lens system, exposure radiation. अब देखो इसका यूज नैनो मटेरियल बनाने में भी यूज करने किया जाने लगा, ठीक है? Photolithography is the most widely used techniques in microelectronic fabrication, particularly in for mass production of integrated circuit. तो integrated circuits जो आप देखते हो तो उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है फोटो लिथोग्राफी यूज होता है. तो ये सब मेथड हम लोग इसमें यूज करते हैं, राइट? तो थोड़ा सा और अपन समझे लिथोग्राफी को, फिर से एक बार समझे. तो आप जैसे लिथोग्राफी का मीनिंग अपन समझ गए. अब फोटो लिथोग्राफी एक नया वर्ड आया. क्या वर्ड आया?
फोटो लिथोग्राफी. अब फोटो लिथोग्राफी मतलब क्या होगा, फोटो मींस लाइट है ना, और लिथो मतलब आपका वही जो स्टोन की बात की और जो ग्राफीन के बारे में बात की तो पेंटिंग प्रिंटिंग की बात की. तो यहाँ पर जो वेफर कौन सा है, सिलिकॉन वेफर. तो सिलिकॉन वेफर में लाइट से प्रिंटिंग करना है, ठीक है. अब ये सिलिकॉन पे लाइट से कैसे प्रिंटिंग करते हैं, तो उसके तीन स्टेप्स हैं. एक तो उसको मास्क करना पड़ता है, फिर फोटो रेजिस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद यूवी एक्सपोजर सिस्टम होगा. ये एक तरीके से ना इचिंग टाइप का सिस्टम है, जितने जगह को अपन को प्रिंट करना उतना जगह छोड़ के बाकी सब उसमें से रिमूव कर देंगे. बाकी सब उसमें से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है. तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक है. देखो प्रोसेस ऑफ लिथोग्राफी में आपका जो भी पैटर्न है, जो भी पैटर्न है उसको आप क्या करोगे, उसमें मास्क करोगे, और उसके जो वो जो बीच के जो जगह होगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें इचिंग करके हटाएंगे. इचिंग मतलब हटाना, रिमूवल. इचिंग मीन्स रिमूवल, हटाना, ठीक है. और लेकिन हटाएंगे किससे हम लोग, वो हटाएंगे हम लोग लाइट से, ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक एक स्टेप को आप समझ सकते हो. सो फर्स्ट स्टेप इज फोटोलिथोग्राफी ट्रांसफर्स दिस पैटर्न फ्रॉम ए मास्क टू अ फोटो सेंसिटिव लेयर. तो ये जो पैटर्न है उसको एक फोटो सेंसिटिव लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको मास्किंग करते हैं, ठीक है, ढकते हैं. मास्किंग मतलब ढकना. अनदर प्रोसेस स्टेप ट्रांसफर द पैटर्न फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव लेयर इनटू अ अंडरलाइंग लेयर. तो उस मास्क से जो है जो हमको रिमूव करना है उस पैटर्न को उसमें डालना है, और उसके बाद आपका रिमूवल स्टार्ट होता है. तो जो बच जाएगा वो आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट या आप जो बोल लो वो चीज उसमें यूज होगी, राइट. तो लिथोग्राफी का मतलब हमको समझ में आया कि इसका हम लोग यूज करते हैं. देखो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा स्पिन कोटिंग डिवाइस है, तो यहाँ पर जो आपका सिस्टम है उसमें यूवी लाइट से हम लोग इचिंग के थ्रू यहाँ पर ये पैटर्न यहाँ पे डेवलप करते हैं. तो यहाँ पर तीन स्टेप है इसके. कौन कौन से स्टेप है, पहला तो आपका मास्किंग वाला जो स्टेप है, फिर उसके बाद आपका लाइट एक्सपोज करेंगे, और उसके बाद उसमें से वो जो रिमूवल वाला जो स्टेप है वो करेंगे. ये फोटो लिथोग्राफी के ये तीन स्टेप है, फोटो लिथोग्राफी के ये तीन स्टेप है, ठीक है. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी. हम लोग रिमूवल किससे करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन से. अब इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो रिजोल्यूशन है वो सबसे हाई होता है. इलेक्ट्रॉन रिजोल्यूशन हाई होता है. अब डीप अल्ट्रावायलेट जो लिथोग्राफी है जिसमें हम लोग डीप अल्ट्रावायलेट जो रेज यूज करते हैं, वो सब किस पे डिपेंड करता है, आपके लैम्डा पे. ये किस पे डिपेंड करेगा, रिजोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, आपके लैम्डा पे डिपेंड करेगा. लैम्डा चेंज होगा तो इसके हिसाब से आपका रिजोल्यूशन चेंज होगा, ठीक है. लेकिन हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या, लाइट के साथ साथ क्या होता है, एक वेव पैकेट होता है. तो वेव पैकेट में क्या क्या चीजें होती है, एक पार्टिकल होता है, एक वेव होता है. तो वेव मैकेनिक्स है यहाँ पे. क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग लास्ट जो पढ़े हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारे पास दोनों है, आपका पार्टिकल भी है और वेव भी है. तो पार्टिकल और वेव दोनों होने के कारण, अब देखो वेवलेंथ अगर 200 जो वेवलेंथ ऑफ 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितना होता है, 3 पिकोमीटर. कितना, 3 पिकोमीटर. तो 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वेवलेंथ इतना कम है. तो इस कारण से एक चीज जो समझ में आती है वो ये है कि लैम्डा जो है वो किस पे डिपेंड करती है, पी पे डिपेंड करती है. पी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तो और वेलोसिटी आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, या स्पीड पे डिपेंड करेगा. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इतना ज्यादा एनर्जी इतने कम वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन की होती है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर मेरा ये पार्टिकल है एक, टेन, टेन टू द पावर टू, टेन टू द पावर थ्री, टेन टू द पावर फोर, राइट, और यहाँ पर मैं पार्टिकल की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, तो मैं फोटोन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू 1240 बाय ई जीरो, तो ई जीरो अधिक होगा, अगर ई जीरो अधिक होगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, ये क्लियर है इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ये क्लियर है, यस और नो? सर एक बार और, मैं बोल रहा हूँ कि ई जीरो जिसका ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा, ठीक है, तो फोटोन, फोटोन के केस में ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, फोटोन के केस में ये फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रॉन के केस में 12.3, ये जो 12.3 का जो फैक्टर दिख रहा है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला है, और प्रोटॉन के केस में 0.28, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो 0.28, 12.3 और ये जो हम लोग एक पार्टिकल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, वैसे अगर 10 पार्टिकल के लेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है, 124, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन, 100 पार्टिकल लेंगे तो उस कंडीशन में 1.3 या और कम होता जा रहा है, तो इसको तो अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो आप देख सकते हो कि जितना कम था तो उसकी वैल्यू उतनी ही अधिक है ना, तो फोटोन में क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब एटम भी है और वेव भी है, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल ज्यादा होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है, तो ये एक तरीके से एडवांटेज का ही काम करती है, कैसे एडवांटेज है, देखो पहले हम लोग ऑप्टिकल या फोटोलिथोग्राफी यूज करते थे, अब फोटोलिथोग्राफी यूज करके हम लोग यहाँ पर एक मिनट, हाँ, फोटोलिथोग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम, इसका जो कंपैरिजन अपन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम का रिजोल्यूशन क्या होगा, बहुत हाई होगा, फोटो जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा और लैम्डा के कारण इसका जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, ठीक है, आप यहाँ से समझे, देखो ये लैम्डा पे डिपेंड करेगा और लैम्डा के कारण इसकी वैल्यू जो रिजोल्यूशन है वो कितना जा सकता है, 20 नैनोमीटर जा सकता है, उसके ऊपर अपन नहीं जा सकते, इसमें कोई भी शेप जनरेट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इसमें या तो लाइन होगा या तो स्पेस पैटर्न जैसा होगा, और इलेक्ट्रॉन बीम एक ही ड्रॉबैक है कि स्लो होगा और ऑप्टिकल जो है वो फास्ट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन है वो फोटोन से कम होता है, ये एक एडवांटेज है, तो इसी एडवांटेज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी को चेंज करके इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में पहुंचते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी का जो यूज है वो ये है, तो लेकिन इसके साथ भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें स्कैटरिंग ज्यादा होती है, जैसे 10 किलोवाट का है तो स्कैटरिंग थोड़ी कम है, लेकिन जैसे 20 किलोवाट वोल्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपल करना चालू कर देगा, ठीक है, इस कारण से इसमें ये दिक्कत आती है, ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ये एक तो पहला इशू ये हो गया, सेकंड जो इशू है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो पहला इशू समझ में आ गया आपको, स्कैटरिंग ज्यादा होगी, स्कैटरिंग क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में रिपल करेंगे, सेकेंड जो ड्रॉबैक है वो है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, क्योंकि स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो उस कारण से क्या होगा कि आपका नियर बाई जो फीचर्स हैं वो चेंज होंगे, ठीक है, मतलब एक तरीके से इसमें जो आसपास के जो
पैटर्न है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, मतलब ये जो पैटर्न अपन को रेगुलर बनना था तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स भी आ जाएंगे इसी रीजन के कारण, ठीक है। और इसलिए क्या है कि हम लोग इसको स्लो प्रोसेस में यूज करते हैं। अब देखो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, दोनों का सेटअप में जस्ट एक ही डिफरेंस है कि ये एक सीरियल प्रोसेस है और यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं वो पैरेलल प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर देखो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ये आपका एक ही पॉइंट पे फोकस रहेगा और यहाँ पर ये यहाँ पर जो है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रॉन सोर्स जो यूज करते हैं उसमें नॉर्मली थर्मियोनिक एमिटर्स, ठीक है, इसमें टंगस्टन और LAB6 और थर्मल फील्ड एमिटर्स यूज करते हैं हम लोग। और इसका लाइफ टाइम देख सकते हो कि हम लोग थर्मल फील्ड एमिटर ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये टिपिकल डायग्राम है आपका इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी का जो कि मैं लास्ट अभी यहाँ बताया था आपको। तो ये एक पैरेलल प्रोसेस है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि दिस इज अ पैरेलल प्रोसेस। तो इसमें आपका जो अलग अलग पार्ट है इसमें आपका जो कंप्यूटर कंट्रोल और टेबल पोजीशन मॉनिटर के साथ इलेक्ट्रॉन गन होगा, बीम ब्लैंकर होगा, इसको बीम को चालू बंद करने के लिए यूज करते हैं, ऑन एंड ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आपके डिफ्लेक्शन लेंसेज होंगे, वैक्यूम चैम्बर होगा, रजिस्ट होगा, फिल्म सबस्ट्रेट टेबल और मैकेनिकल यहाँ पे ट्रैक। तो ये पूरा एक सिस्टम आपका आप देख सकते हो इसके हिसाब से। पेफर्स लॉ क्या बोलता है कि यहाँ पर हम लोग जब इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी की जब बात करते हैं तो ये मैं बताया 1963 के आसपास ये स्टार्ट हुआ और 1963 से स्टार्ट होते होते इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते आज हम लोग इस कंडीशन यहाँ तक, यहाँ मैपर तक हम लोग पहुँचे हैं। ये 2010 तक का डेटा है और अभी हो सकता है कि डेवलपमेंट और बढ़ चुका होगा। अब देखो 1960 में सब फर्स्ट कमर्शियल ई बीम टूल बना था, ये गाउसियन बीम। गाउसियन बीम मतलब क्या होता है, एक गाउसियन सिस्टम जो होता है आपका, गाउसियन सिस्टम जो होता है वो आपका इस तरीके से जो गाउसियन जो बीम होगा वो यूज करते हैं हम लोग। एक्सपोज 1 पिक्सल एट ए टाइम और फोटो मास्क यूज करते हैं इसके लिए। तो दीज आर द बेसिक दिस थिंग। तो इलेक्ट्रॉन बीम ये जो स्केल्पेल, आपका स्केल्पेल का फुल फॉर्म है स्कैटरिंग विथ एंगुलर लिमिटेशन प्रोजेक्शन इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। इसका 4x का मैग्निफिकेशन होता है, 4 गुना एक तरीके से। और ये आपका 90s में ये जो सिस्टम है यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इसको स्लाइड्स में आप देख लेना, इसमें थोड़ा सा इसमें अपन ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। स्कैटरिंग मास्क और ट्रांसमिटेंस इसका लो एटॉमिक और स्कैटरिंग जो है हाई एटॉमिक होता है इसका। प्रीवेल का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्शन रिडक्शन एक्सपोजर विथ वेरिएबल एक्सिस इमर्शन लेंसेस। दिस आर द जस्ट टाइप, एक पहला मॉडल, ये दूसरा मॉडल। और स्केल्पेल का ही ये इम्प्रूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन बीम एंड वेफर स्कैन, इसमें दोनों का स्कैन यहाँ पर पॉसिबल था 95 में आया। लेकिन फेलियर क्या था कि ऑफ एक्सिस एब्रेशन, मतलब एक एक्सिस पे वो भागता था। फिर ये एक और सिस्टम आया रेबल, तो आपका रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी टू। और इसमें दो चीज़ें हुई, इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट ऑन ए पैटर्न और वेफर रोटेट्स लाइक रिकॉर्ड प्लेयर, जैसे गोल गोल घूमता रिकॉर्ड प्लेयर ना वैसा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो इसमें नहीं हो रहा था। तो उसके बाद ये 2010 के आसपास ये एक सिस्टम आया और मल्टीपल एपर्चर पिक्सल बाई पिक्सल एनहांसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये जो मैपर जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे ख्याल से अभी भी 40 वेफर पर आर इसका यूनिट था। इसमें एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाऊं।
स्क्रीन दिख रही है मेरी? इज इट विजिबल? स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर। कुछ क्लियर होगा किस तरीके से यहाँ पर प्रिंटिंग हो रही है? Am I audible? Yes, sir. देखो यहाँ पे तो यहाँ पे जनरल एप्लीकेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिक्योरिटी चिप्स और मास इंस्पेक्शन जो टूल है, ये सब जो मास्किंग के साथ ये सब जो है आपका इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी से पॉसिबल है। सेकंड जो टॉपिक है हमारा एक्सरे लिथोग्राफी। तो एक्सरे लिथोग्राफी में आपका आपके इलेक्ट्रॉन बीम को रिप्लेस करके हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप एक्सरे का यूज कर रहे हैं। तो एक्सरे का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरे और भी कम रिजोल्यूशन पे, मतलब आपका 15 नैनोमीटर के ऑप्टिकल रिजोल्यूशन पे काम करता है, शॉर्ट वेवलेंथ पे काम करेगा ये, 1 नैनोमीटर तक जा सकते हैं। लेंसेज की जरूरत नहीं है इसमें, स्मॉल फीचर के साइज बना सकते हैं इसमें। और आपका जो जो पहले के जो सेटअप्स हैं उससे ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और जो वेवलेंथ है, एडवांटेज क्या है इसका कि जो आपका शॉर्ट वेवलेंथ फ्रॉम एक्सरे 0.4 to 4 नैनोमीटर, डिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं रहता है, ठीक है। ये जो एडवांटेजेस हैं इसके, और सिंपल टू यूज़, जैसे मैंने बताया,
फास्टर देन ईबीएल, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी से ज्यादा फास्टर है, और यूनिफॉर्म रिफ्रैक्शन पैटर्न होगा इसमें, हाई रेजोल्यूशन एंड स्मॉल फीचर साइज होगा, सेटअप छोटा होगा, है ना, पहले तो सेटअप उसमें बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लेंसेस का यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन जो जो भी इसमें पैटर्न यूज करेंगे उसमें जो लेंस नहीं होने के कारण फोकस नहीं कर सकते, और मास्किंग जो है वो एक्सपेंसिव है प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। तो ये एक सेटअप है इसका, देखो यहाँ पर एक्सरे लिथोग्राफी का ये पूरा एक सेटअप है। तो इसमें आपका जो एक्सरे प्रोडक्शन करना भी अपने आप में एक थोड़ा सा टिपिकल टास्क है इस करंट से, ये थोड़ा सा इसके कंपोनेंट में आपका एब्जॉर्बर, मेम्ब्रेन और वैक्यूम यूज होता है, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक है इसको आज आपको खत्म करना है, तो आपका ये जो यूनिट आपका फर्स्ट यूनिट आपका खत्म होने पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को?